अच्छा और फिर त्वचा स्लो काम करे थोड़ा जी जी। अब जैसे देख, तो अब उसमें देखा गया कि नाक कान छेदने वाले पहले आते थे लोग, और तो जूम करा तो मतलब सुई से या वैसे छेदते थे, लेकिन आज के दौर में नाक कान छेदाना है तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 मिनट का काम है, जाइए मशीन से तुरंत ऐसे लगाएगा और तुरंत छिद्र कर देगा, ठीक है। उसी तरह से देख लीजिए, पहले की महिलाएं थी, खाना बनाते समय 2 घंटे लग जाता था, 1 घंटे लग जाता था। अब तो भाई चलते रहो खाली, बस मतलब हाथ पांव मुंह ब्रश करते रहो, खाना बन के तैयार हो गया गैस पर। जी भाई चावल धर दे रही है, रोटी धर दे रहे, आने वगैरह वगैरह सारी सामान रख दे रही है, गैस जला दे रही है, आते जाते में वो खाना बन के तैयार हो गया। इतना ही नहीं, ऐसी यांत्रिक मशीनें आ चुकी हैं वैकल्पिक जीवन में, कुकर सुने है ना, कुकर कुकर में खाना रख दीजिए, 2 सीटी मार दिया, ऑटोमेटिक बंद हो गया। हमारे गांव में तो उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन शहरों में देखा जाए तो केवल जो है महिलाएं खाना बनाने के लिए गैस पर सारे सिस्टम को रख दे रही है, करके तैयार करके, चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो जो भी हो आइटम रख दे रही है, बटन टीप कर और मार्केट करने चली गई। सोच रही बात, बटन टीप कर मार्केट करने चली गई, आएंगी 5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, और ऑटोमेटिक सिस्टम है, खाना बन गया, बटन ऑफ हो गई अपने आप, चारों में खाना बन गया ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। आटा है पानी है रख दिया मशीन में, डाल दिया बटन टिप दिया, उतनी रोटी बन के पक के निकल गई मशीन से, जी वो चली गई अपने काम पर। तो ये सारी जो है क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा की देन है, आज के दौर में वैकल्पिक ऊर्जा की देन है। अब ऐसी ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा है कि हम रख ले रहे हैं ऊर्जा अपने पास, देख रहे हैं ना, जैसे गांव में अभी हमें डीजे चलाना है, दूठे बैटरी चार्ज करके रखता बजावान है, मौके भोगल तो हर काम है, लाइट की जरूरत नहीं ना है, कब लाइट आएगी इंतजार नहीं ना करना है। पहले का जमाना था, टीवी देखने के लिए हम लोग इंतजार करते थे, अब लाइन नहीं आया आई, अब लाइन नहीं आया आई है, पता चला रात बीत गए, सीरियल भी खत्म हो गए, लेकिन दर्शन ना लग पर, न टीवी है ना लाइट है। लेकिन आज का दिन ऐसा आ चुका है कि वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हम खुद ही उसका इंतजाम कर ले रहे हैं, बैकअप में रख ले रहे हैं। आज ऊर्जा की देन है कि सभी लोग जो है जेब में लेकर वैकल्पिक ऊर्जा चल रहे हैं। देखें लाइट टॉर्च बिजली गुल हो गई, सौर ऊर्जा से बिजली मिल गई है ना, और वो भी ऊर्जा अगर नहीं मिला तो हम इस तरह अपने पास लेकर ऊर्जा चल रहे हैं। बीच में आविष्कार निकला था कि जिसकी मोबाइल चार्ज नहीं है, 10 का नोट पीछे लगा दो, मोबाइल चार्ज जाएगी फुल। जी सर जी, हैं? लेकिन नहीं हो रहा था वैसा। नहीं हो रहा था, तो इस तरह से आने वाले युग में, आने वाले समय में ये सब आ जाएगा कि हम ऊर्जा अपने बोल कर ही ऊर्जा पैदा कर लेंगे, जितना हम आवाज बोल रहे हैं इससे ऊर्जा बन जाएगी, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। इस तरह से विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है। बायोगैस सौर ऊर्जा, बायोगैस गोबर प्लांट, इसके पहले एलपीजी जब गैस नहीं आई थी उसके पहले की बात है, ये ऊर्जाएं बनाई गई थी। ये ऊर्जाएं घर के पीछे एक बहुत बड़ा हौदा बनाया जाता था, जी सर जी, उसमें गोबर डाले जाते थे, पानी मिक्सित करके डाले जाते थे, और वह डाल पर छोड़ दिया जाता था, और उससे जो है ऊर्जा बनती थी, हम जो है अपना बल्ब वगैरह जो है जलाते थे, टीवी फ्रिज वगैरह चलाते थे। तो वो प्लांट था, वो प्लांट कुछ ही दिन तक चला, लेकिन उससे पहले ये बेहतर आ गया तो उसको छोड़ दिया, ठीक। जैसे जैसे दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हर चीजों को जो है हम बदलते जा रहे हैं। पवन चक्की मतलब यह भी एक प्रकार की ऊर्जा है। पिछली कक्षाओं में 9वीं पढ़कर आए हैं पवन चक्की क्या थी, वही चीज है पवन चक्की, तो पवन चक्की से भी ऊर्जा उत्पन्न की गई है।
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत देख चुके, सौर ऊर्जा, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा मिलती है अर्थात सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। अब उस ऊर्जा को आप लोग भली भांत से जान रहे हैं, सुने भी अभी कि मतलब सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है, एक सौर ऊर्जा का वो एंटीना लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए घर में, रोशनी लगेगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जब बैटरी चार्ज हो गई तो अपना घर का बल्ब, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, ए टू जेड सारी चीजों को चलाइए, ठीक। इस तरह से ये सौर ऊर्जा है। समुद्र ऊर्जा, भाई देखिए समुद्र है बड़ा बड़ा, वहां भी उद्योग धंधे लगाए गए हैं, उनसे भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बड़े बड़े प्लांट बनाए गए, बड़े बड़े हवाई जहाजे हैं, उसमें डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है, उसमें सौर ऊर्जा समुद्र की ऊर्जा से ही वह चल रही है, ऐसे प्लांट बनाए गए। इस तरह से समुद्री ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, महासागर वही बात है ऊर्जा, तरंग ऊर्जा एक प्रकार की उत्पन्न ध्वनि को तरंग ऊर्जा कहते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ये भी तरंग है, तरंग आ रही है, तरंग उत्पन्न हो रही है कमरे में, ध्वनि हो रही है, गूंज रही है, ये क्या है? तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा का उदाहरण है, घंटा बज रहा है, चपरासी घंटा बजा रहा है, उसका कंपन दूर तक सुनाई देता है, क्या है? ध्वनि ऊर्जा। तरंग ऊर्जा टन टन की आवाज कर रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है। तो इस तरह से ये ऊर्जाएं हैं। तापी ऊर्जा, इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा। देखें आज का जमाना इतना काफी आगे बढ़ चुका है, विभिन्न प्रकार के नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब दो परमाणु एक साथ संयुक्त हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब दो परमाणु, जब एक परमाणु कई भागों में विखंडित हो जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इन दोनों प्रक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे में देखा जाए, एटम बम, परमाणु बम, एल्युमिनियम कार्बाइड, मीथेन, एसिटिलीन, एल्डिहाइड, ये गैसें का नाम है, अन्य विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जो गैसें बॉर्डर पर हमारे सैनिक जो हैं लड़ रहे हैं, है ना, उस पर नाभिकीय ऊर्जा प्रयोग करते हैं, परमाणु बम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वहां जो है विस्फोट करने में वहां लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम घर में अपने कोई जमीन को खोदना है, इनको गिराना है, ठीक है ना, यहाँ एक विस्फोटक रख देंगे, वो फूटेगा सारा ध्वस्त हो जाएगा ऑटोमेटिक, छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार 10 मजदूर नहीं लगाना पड़ेगा, 10 दिन नहीं लगाना पड़ेगा, घरे का मड़ई गिरावा गया तो सब ये सोचा था आज के जमाने में, पहले तो आदमी सब मिल गया था घर फलाने का मड़ई उतारे को चला सवेरे से पूरा कमा बटोले बाद 10-15 लोगों के मड़ैया पकड़ के, लेकिन आज का युग यह है तो नहीं छटका दो मंडी गिर जाएगी साली, उजार के उसको फेंक देंगे, चंदा रख देंगे, है ना, पहले से होता था कि मंडी बचा के उतारो, बचा कर ले चलो, हो जाए रख दिया जाए, फिर रख लिया जाए, ये सारी प्रक्रिया है। आज का चंदा ले लेगा भी, आज का दिन ऐसा बढ़ता जा रहा है। इस तरह से ये नाभिकीय ऊर्जाएं हैं, नाभिकीय ऊर्जाएं में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग है, अभी देखें झरिया की खाने, उड़ीसा की खाने जो हैं, जहाँ कोयले की खदानें होती हैं, उसमें खनते हैं लोग, तो उसमें भी चट्टानें तोड़ना है तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वहाँ नाभिकीय प्रमाण बल का छोटा सा प्रयोग कर देंगे, कुछ दूर जो फट जाएगा, जब फट जाएगा तो ये लोग छोटे छोटे टुकड़े करके जो है कोयले को निकालेंगे, ठीक है ना, झरिया में, उत्तराखंड, झारखंड की बात कर रहे हैं, उड़ीसा की बात, भुवनेश्वर की बात, माने यहाँ कोयले ज्यादा मात्रा मिलते हैं, यहाँ के जो है मजदूर जमीन के अंदर नाभि में ऑक्सीजन लगाकर पीछे पीठ पर भूदरे में हल जाते हैं। अभी चमेली
कांड हुआ है, 2 दिन हुआ है देहरादून का, उसमें 150 मजदूर सुरंग में फंसे हुए, ऊपर से जलप्रपात टूट गया और पूरा माने इतने मलबे दब गए, हिले ही जगह काल जला यहाँ गाँव में जी जी, इतने मलबे दब गए इतनी ऊपर तक, उसमें जाना दुर्भर है, पानी की बात ही पूछिए नहीं, पानी कितना है, और वो तूफान जो आया आपके बनारस तक प्रभावित है, मतलब बनारस की नदियां गंगा जो है बड़ी नदी वहां से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो अभी बढ़ गई है। ऐसे में वहां जो व्यक्ति फंसे हुए हैं बेचारे सुरंग में, जमीन के अंदर सुरंग और बन रहा था क्या, यही प्लांट बन रहा था बिजली वाला, 3 साल का काम था उस सुरंग में, 200 आदमी जो लगे थे सुरंग में, आज आज की न्यूज की बात कर रहा हूं, आज तक अभी 3 दिन की घटना है, आज जो है 125 आदमी मिल चुके हैं और अभी उसमें हैं, उनकी खुदाई चालू है, गवर्नमेंट कर रही है कि कौन सा वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए कि उन आदमियों के पास पहुंचा जा सके, उनको भूमि से निकाला जा सके। अरे भाई वहां पानी सब उसमें है तो जीते ही रहेंगे, लेकिन वहां तक पानी नहीं गया होगा तब तो, सुरंग अगर बंद कर दिए होंगे ऊपर से तो वहां तक नहीं पहुंचा होगा, तो अंदर होंगे, लेकिन इतने व्यक्ति जो है 130 आदमी जो है मृत निकाले गए, अभी तलाश जारी है कि उसमें आदमियों को सुरक्षित निकाला जाए। इस तरह से ये कार्य है कि बहुत से, अभी हम आप क्या देखे हैं, हम आप यही देखे हैं खेत में, हम काम करके चलिए अपना घर, इतने ना देख रहे हैं, लेकिन जब इस दुनिया से हटकर दूसरे क्षेत्रों में जब जाएंगे तो बड़े बड़े प्लांट हैं कि आदमी कितना जोखिम होकर अपने जीवन को दांव पर रखकर काम करता है, आसमान में, समुद्र में, जमीन के नीचे, हजारों फीट नीचे तक चला जाता है और यंत्रों के माध्यम से हजारों फुट नीचे जाकर आदमी काम करता है, तो बताइए वहां जो इतने मर गए बेचारे, मलबे इतने काफी हैं कि मशीनें लगी हैं, गवर्नमेंट की सेनाएं लगी हैं वहां, चारों सेना लगी हुई है उनको सुरक्षा सुरक्षित निकालने के लिए, लेकिन खुदाई चल रही है, मलबा टारा जा रहा है, मलबा टार रहे हैं, फिर वही मलबा फैल जा रहा है, टार रहे हैं, भाई हिले ही हो गई तो कितना टारेंगे जी। अब वो पहाड़ टूटा था, जब ही सूर्य की रोशनी बढ़ी वहां से जो बर्फ पहाड़ पर जमा था चमेली में हरिद्वार में जी। वो बर्फ की सिल्ली खसकी और पहाड़ को लेकर चली चल दी, ठीक है चल दिया, और उसमें कई गांव आ गए लिफ्ट में, तो कई गांव के तो बाहरी आदमी बच जाएंगे भाई दौड़ धूप कर, लेकिन जो जमीन के अंदर फंसे थे वो बेचारे फंसे। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा में आपका नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु के विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय परमाणु के विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ये परिभाषा। जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनम, परमाणु बम, अणु बम आदि चीजें, इस आधार से यह चैप्टर आपका जो है सौर ऊर्जा का समाप्त होता है। अब आप लोग इनके विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हैं, बढ़ लें एक बार दो बार, कोई बड़ी चीज नहीं है जी, याद हो जाए ठीक है।